बॉलीवुड एक्टर आमिर खान पिछले दिनों खबरों में बने रहे जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो सोशल मीडिया क्विट कर रहे हैं। उन्होंने खुद पर ही एक डिग लेते हुए कहा कि वो वैसे भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। अब आमिर खान को हाल ही में अपने फ्रेंड की फिल्म की स्क्रीनिंग पर देखा गया, जहां पर उन्होंने मीडिया से कुछ बातें भी की और फिल्म के बारे में भी बताया। हाँ, देखिए मैंने फिल्म देखी, कोई जाने ना। कैसी लगी? और मैं बड़ा स्ट्रेस था क्योंकि अमीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिक्र होती है कि फिल्म कैसी बनाई, अच्छी बनाई नहीं बनाई। उसमें मैंने गाना भी किया है अभी। बहुत फेमस हुआ। और आज मैंने पहली दफ़ा फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई उसने, मतलब दिल खुश हो गया। क्योंकि एक तो क्या ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग, एक मिनट आपको रुकनी नहीं देती। मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिल है, रोमांस है, गाने अच्छे हैं, एक्टर इतने अच्छे हैं, वो लड़की अमायरा इतना अच्छा काम किया उसने, अमायरा दस्तूर, कुणाल कपूर ने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लगा भी है वो, कैमरा वर्क अच्छा है, गाने अच्छे हैं। तो मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया अमीन का काम देख के। मैंने सोचा यार तूने अपनी पहली फिल्म में इतना अच्छा बना दिया, क्या उम्मीद की थी तो अच्छा कर लेंगे भागा? मैं बड़ा खुश हुआ ये देख के। नहीं, मैं नॉस्टैल्जिक नहीं होता हूँ, मैं मुझे फिल्म पसंद आई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा दोस्त जो है जिसने पहली फिल्म बनाई है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अच्छी फिल्म बनाए उसने। देखिए फिल्म चलना ना चलना अपने हाथ में नहीं होता है, मेरी फिल्म भी देखी चले नहीं चले अपने हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में, ऑडियंस के हाथ में। लेकिन फिल्म उसने अच्छी बनाई है, एंटरटेनिंग है, सस्पेंस है, आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और रोमांस भी बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया छोड़ा लोग बहुत कई नहीं, वो इसलिए नहीं कुछ, वो आप लोग अपनी थियोरीज मत लगाइए। मैं अपनी धुनकी में रहता हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ काम है, तो मुझे लगा कि यार वैसे भी कुछ डालता नहीं हूँ मैं, अपनी धुनकी में रहता हूँ, इसीलिए अलविदा। नहीं अलविदा नहीं, मैं तो उधर ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, और हम इससे पहले भी तो कम्युनिकेट करते ही थे, और अभी इसमें आप मीडिया का रोल ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब मैं मीडिया के थ्रू ही अपने ऑडियंस से बात कर पाऊँगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए। वेरी हैप्पी, मुझे तो पूरा भरोसा है आप पे, सीरियसली वेरी हैप्पी। थैंक यू अमित, थैंक यू, थैंक यू।